All the characters and events depicted in the video are purely real. This is an attempt to express our sincere gratitude to the entire teaching fraternity of Little Flower Group of Schools who remain committed to bring excellence in the teaching-learning process. Wish a very happy Teachers' Day to all the teachers who embrace digital classroom just for their students. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना और देना स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म था, जिसके लिए शायद कोई भी हैबिचुअल नहीं था। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैसे चॉक और डस्टर को छोड़कर कीबोर्ड और माउस पर आ गए। आई मीन उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया। I'm extremely worried about बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कैसे मैनेज करेंगे। यस मैम, आई एम आल्सो थिंकिंग द सेम। घर में सिर्फ एक ही दो डिवाइस होते हैं जो पेरेंट्स को अपने साथ लेकर जाना होता है। वो अपने बच्चों को डिवाइस कैसे अरेंज करवाएंगे? अगर उन्होंने कहीं से डिवाइस अरेंज भी करवा लिए तो किसी का नेटवर्क इशू होगा, किसी के पास स्पीकर नहीं होंगे, और जो डेस्कटॉप से क्लास ले रहा होगा उसका तो हम फोटो ही नहीं देख पाएंगे। और कुछ बच्चों का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ शरारतों में ही जाता है। सबसे पहले हमें डिजिटल रूप से खुद तैयार होना चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। वी ऑल नीड टू प्रैक्टिस हार्ड सो दैट वी कैन रन आवर क्लासेस स्मूथली। यस मैम, मैंने एक लिंक क्रिएट करी है, हम उसे ज्वाइन कर देखते हैं जूम के बारे में। गुड मॉर्निंग मैम, बट यू आर नॉट एट ऑल विजिबल टू मी। यस आई कैन सी Ms. Sharma saying something, but she's not audible to me at all. Yes, ma'am, right. हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने WhatsApp ग्रुप पे कुछ instructions भेजे हैं, आप सब उन्हें follow कीजिए। मैं एक बार बता भी देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक दूसरे को देख पाओगे, और एक अनम्यूट का ऑप्शन होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक दूसरे को सुन भी पाओगे। Okay, ma'am. ओहो मैम, यहाँ पे तो चाय चल रही है। ओ, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ मेरी वीडियो कब ओपन हो गई। मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ शेयर स्क्रीन वाला आइकन से। प्लीज मुझे बताएगा कि क्या वो विजिबल है कि नहीं। यस मैम, इट्स विजिबल। हम इससे वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ और पीपीटीज, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ा सकते। यस मैम, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यस मैम, इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। और अब हमारे सेशन जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो हमें जूम सेशंस में डेली रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, सो दैट वी कैन टीच आवर स्टूडेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यस मैम, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। हम इस पैंडेमिक के थ्रू हम स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो देखा आपने, वर्चुअल क्लासरूम पर प्रैक्टिस करके हमारे टीचर्स कितने खुश हुए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एक्सपीरियंस। हेलो पारुल, व्हाट्स अप। हेलो वंशिका, वाज जस्ट वंडरिंग हमारे टीचर्स कितने एफर्ट्स ले रहे हैं हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। दे आर प्रिपेयरिंग ई कनेक्ट, पीडीएफ वीडियोस एंड ऑल टीचिंग एड। यू आर राइट, बट हमारे बहुत से क्लासमेट्स उनके एफर्ट्स को नहीं समझ रहे। इनफैक्ट दे आर टेकिंग एट समथिंग फॉर फन ओनली। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब बहुत से बच्चे अपनी वीडियो ऑन नहीं करते हैं और मैम उनको इतना एनकरेज करती हैं कि अपने आप को अनम्यूट करें, बट दे डिडंट अनम्यूट देयरसेल्फ एंड दे यूज डिस्ट्रैक्टिंग वेज टू डिस्टर्ब द क्लास। और तो और, कुछ बच्चे ऐसे मैम के स्क्रीन शेयरिंग पे इनवाइट कर देते हैं। डॉक्टर्स की तरह हमारे टीचर्स भी तो कोरोना वॉरियर्स है। वी शुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि इतने डिफिकल्ट टाइम में वो हमें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। यस वंशिका, आवर क्लासमेट नीड टू अंडरस्टैंड ये सारी केयर हमारी टीचर्स इसलिए कर रही हैं ताकि हमारे फ्यूचर में स्टडीज अच्छे हों। मैं कॉल लाइक सम रिसर्च स्टूडेंट्स जो खुद भी नहीं पढ़ते और हमें भी नहीं पढ़ने देते। लेट्स लीव दिस इग्नोरेंट फेलोज, आई एम श्योर दे विल रियलाइज इन द फ्यूचर कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस न देखकर उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। एटलीस्ट हम में से तो कुछ स्टूडेंट्स है जो टीचर्स के लिए बेटरली एजुकेट रखते हैं। A funny scene during online class. Good morning, dear students. कैसे हो आप सब? Good morning, ma'am. We are fine. How are you?
I'm also fine, Beta. So before starting our today's topic, I would like to ask you questions from previous topic. So देखते हैं कौन कितना पढ़ गया है. Pavni, you will tell me what is temperature. Yes, ma'am. A degree of hotness and coldness of a body is called temperature. Very good. Shiva, now you will tell me what is the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer. Hello, Shiva? Ma'am, your voice is not coming. Hello? Shiva, am I audible to rest of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आज मैं इसके पेरेंट्स को फोन करती हूँ. चलो देखते हैं कि इसके यहाँ असलियत में नेटवर्क इशू है या फिर ये रोज ऐसी क्लास में बहाने मनाता है. हेलो सर. हेलो मैम. सर मैं शिवा की टीचर बोल रही हूँ. सर शिवा डेली क्लास में बोलता है कि उसका नेटवर्क इशू है, आप एक बार प्लीज चेक कीजिए एक्चुअल में नेटवर्क इशू है या ऐसी बहाने बना रहा है ये. मैम नेटवर्क इशू मैम, मैंने उसके लिए मैम 5G नेटवर्क का मैम राउटर लगवा रखा है. मैम नेटवर्क इशू का तो मैम सवाल ही नहीं उठता. मैम मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ. ओके सर. ये कैसे चल रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा चल रहा भैया, आ जाओ आप भी खेलो. पापा ये वैसे मैं तुम्हारी गेम्स नहीं लगाया तो क्लासेस अटेंड करने के लिए. पापा वो मैम अभी कुछ करवा नहीं रही थी तो मैम मैंने ऐसे चल के देखा. क्लास जॉइन करना जरा, वीडियो ओपन करो. मैम से बात करता हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम. मैम शुक्र है आपने मैम मेरे को बता दिया. मैम मेरे को तो लग रहा मैम शिवा यहाँ पे मैम पढ़ रहा है मैम, लेकिन यहाँ तो मैम ये गेम्स खेल रहा था. मैम मैं आगे से ध्यान रखा करूंगा कि मैम शिवा मैम पढ़ रहा है या फिर गेम्स खेल रहा है. थैंक यू मैम. ओके सर, वेलकम. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स बिगिन. Samya, today I will see your homework. Quickly show it to me. Samya, what happened? You are not moving. Samya, you very bad, beta. Ma'am, sorry, ma'am. Ma'am, sorry, ma'am. अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं था तो आप मुझे बता देते, आपने झूठ क्यों बोला? मैम यस मैम, मेरा मैम थोड़ा सा बच रहा था मैम, मैं कल तक मैम करके भेज दूंगा. कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप कर लेना. बट प्रॉमिस मी दैट फ्रॉम दिस टाइम यू विल नेवर. मैम मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैम, मैम मेरा बस थोड़ा सा बच रहा है मैम. ओके बेटा, कल सबमिट कर देना. ओके मैम. डू यू थिंक व्हाट समय डिड वाज राइट? काश काश तुम समझते कि ये टीचर्स वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा कंसर्न रखा है. इतने मुश्किल समय में कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ, इसलिए तुम्हारा हाथ थाम रखा है. सो लेट्स ऑल इंट्रोस्पेक्ट एंड गिव आवर टीचर्स आवर सिंसियर वर्ड्स ऑन दिस टीचर्स डे.